पेंशन मिली था वो चार सौ रुपया मिली था वो ना मतलब मिली था ही ना। तो ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, कोई भी कीमत पर रामकृपाल जी हो या एनडीए किसी को भी टिकट दे देगा तो दानापुर मनेर विक्रम पाली पाटलिपुत्रा की धरती पर वो विजय होगा। मनेर विधानसभा के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के उसे बयान का दानापुर के जदयू नेता संजय कुमार सिंह ने विरोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में रामकृपाल यादव का कोई जन आधार नहीं है। 6 विधानसभा में महागठबंधन का विजय हुआ है और इस बार पाटलिपुत्र क्षेत्र में राजद का उम्मीदवार ही जीतेगा। इस बात का उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र को शायद यह नहीं मालूम है कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जन जन के नेता है और उनके विधानसभा क्षेत्र में भी 40,000 वोटों से लीड करेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब एनडीए में अभी नहीं थे, अब आ गए हैं, तो ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, कोई भी कीमत पर रामकृपाल जी हो या एनडीए किसी को भी टिकट दे देगा तो दानापुर मनेर विक्रम पाली पाटलिपुत्रा की धरती पर वो विजय होगा, बहुत ही भारी मतों से विजय होगा। भाई वीरेंद्र जी कहते हैं कि रामकृपाल जी नहीं है, रामकृपाल जी के यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई काम लेके जाए या किसी बर्थडे पार्टी हो, किसी के यहाँ अप्रिय घटना हो जाए, तुरंत रामकृपाल जी उपस्थित होते हैं। ऐसा कैसे कहते हैं कि वो नहीं है, जनता के बीच में नहीं जुड़े रहते हैं? रामकृपाल जी एक अच्छे नेता हैं और डबल इंजन की सरकार है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हो रहा है, नीतीश कुमार जी कितना विकास कर रहे हैं, करें कि विकास नहीं हो रहा, विकास का तो जाल बिछा दिया गया। पेंशन मिली था वो चार सौ रुपया मिली था वो ना मिली था ही ना। नेता के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोगों के लिए नेता है और उनका काम उनके पास पहुंचने पर वह कर देते हैं, आसानी से लोग उनसे मिल लेते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर लेते हैं। यही वजह है कि जनता उनके कार्यों का दीवाना है, जहां जनता बुलाती है वहां रामकृपाल यादव दौड़े चले जाते हैं और एनडीए के टिकट पर रामकृपाल यादव या फिर जिन्हें भी टिकट मिलेगा उनकी जीत तय है और आसानी से जीत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जादव समाज में भी हम तो रामकृपाल जी के यहाँ गए हैं, जादव समाज के हर एक क्षेत्र से, मनेरी हो, दानापुर हो, विक्रम हो, पाली हो, जहां से भी हो, जादव समाज के भी कार्यकर्ता और वहां पर जितने लोग मुखिया बहुत सारे उपस्थित रहते हैं, उनका विकास कार्यों के लिए जो भी लेके जाते हैं तुरंत रामकृपाल जी करने का काम करते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसा हो जाएगा? हमको तो लगता है कि सारा विधानसभा में, मनेर विधानसभा में भी हम कहते हैं कि कम से कम 40,000 वोटों से रामकृपाल जी लीड करेंगे। ये उन्होंने सपना देख रहे हैं, समय बताएगा, बिगुल भूख आ गया है, देखते हैं। हम तो कहते हैं कि एनडीए का, रामकृपाल जी का, एनडीए किसी को भी दे देगा तो जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ हैं तो किसी तरह का कोई संकोच नहीं है विजय हासिल करने के लिए। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।